क्या है जो कि ट्रूली मैटर करता है। पहली चीज जो मैटर करती है क्या है, सेल्फ इमेज। दूसरी चीज जो मैटर करती है क्या है, वो है आप सही एक्शन दे रहे हो, राइट एक्शन दे रहे हो, एफिशिएंट एक्शन दे रहे हो। उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए पांच चीजें, ठीक है, पांच चीजों को वन बाय वन बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। पहली चीज है आपका डिजायर और पर्पस। कोई भी चीज जो आप करना चाहते हो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो करने का, तो ही आप कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिजायर, तो अपने मन में इमेज बनाया करो कि क्या आप अचीव करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग में वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो कि वो अचीव करने के लिए नीडेड है, जो कि आप करना चाहते हो, तो फिर वो अचीव नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को, अगर आपने उसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो, और दे दिए तो ही हो पाएगा। फिर दूसरी बात ये कि आपका लॉजिकल और इमोशनल रीजंस क्या है आपके एग्जीक्यूशन करने के। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे एग्जीक्यूशन करने का क्या खास रीजन है, हमें भी नहीं पता हम यहाँ पे क्यों है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा कि आपका कोई रीजन ही नहीं है करने का, कोई स्ट्रांग रीजन ही नहीं है, तो फिर आप क्यों करोगे? क्यों आप डेली बेसिस पे एफर्ट डालोगे? क्यों आप अपने मेथड को करेक्ट करने में एफर्ट डालोगे अगर आपके पास अगर अगर कोई रीजन ही नहीं है करने का? तो यू मस्ट हैव सम लॉजिकल रीजन एंड यू मस्ट हैव सम इमोशनल रीजन। क्योंकि जिसके पास सिर्फ लॉजिकल रीजन है, क्या होगा कि इमोशनली जब उसको अच्छा नहीं लगेगा प्रिपरेशन करने में, तो फिर वो उसको ड्रॉप कर देगा। और इमोशनल रीजन है, लॉजिकल नहीं है, तो क्या होगा, जब उसको एक अच्छा लॉजिक मिल जाएगा प्रिपेयर ना करने का, तो प्रिपरेशन छोड़ देगा उस वक्त। तो प्रिपरेशन छोड़ना मतलब क्या होता है, आज आपने नहीं पढ़ा तो आज तो प्रिपरेशन छोड़ दी ना आपने, कल आप भले ही वापस आ जाओ, जो कि आपको करना ही पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन कैसे ऐसा हो कि हर दिन आप करो कोई चीज, लॉजिकल और इमोशनल रीजन अपने ढूंढो कोई भी काम करने के, ठीक है, और हो तो ही करो, नहीं हो तो नहीं करो। अगर आपके पास कोई भी, आपको एक भी लॉजिकल रीजन नहीं मिल रहा, एक भी इमोशनल रीजन नहीं मिल रहा रिजन करने का, क्यों कर रहे हो? मत करो, कुछ और करो। जिसका आपके पास लॉजिकल और इमोशनल रीजन हो उसे करने का, वो करो। फिर ज्यादातर लोग जो सक्सीड करते हैं, जो जब मैं बोल रहा हूँ सक्सीड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जे प्रिपरेशन में जैसे रैंक लेके आ जा रहे हैं, नहीं, रैंक लेके आ रहे हैं, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं नेसेसरी चीज जो कि उन्हें सीखनी है, और फिर उसके बाद अपने कैरियर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये पूरी जो 10 साल की जर्नी है और उसके आगे की भी, वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं? ऐसे वो होते हैं जिनका कोई विजन होता है, कोई पर्पस होता है। यानी ना आपका विजन कुछ है, आपका पर्पस कुछ है, और उसी से आपके गोल्स और प्लान्स निकल के आते हैं, ठीक है। आपके क्या गोल्स हैं, उनमें से एक गोल हो सकता है कि आपको जेई में अच्छी रैंक लानी है, लेकिन आपका विजन और पर्पस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है जो कि आपको आगे तक ड्राइव करके रखेगा। मेरी जब रैंक आई थी पहली बार, जब मैंने जेई का एग्जाम दिया था, जे एडवांस 2680 रैंक आई थी मेरी, तो उस वक्त मेरे पास कोई विजन और पर्पस नहीं था। मेरे पास बस ये था कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखनी है। जब मैंने ड्रॉप लिया और फिर उसके बाद जो मेरी रैंक आई, है ना, रैंक सिमिलर ही थी, ज्यादा अंतर नहीं था, जो कि मैंने ड्रॉप ईयर में पढ़ा नहीं था, 1953 ये रैंक आई थी। मैंने मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा तो मेरी रैंक 100,000 तो आ जाएगी, उससे मेरे को जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसा था कि 1,000 नहीं आई, तबीयत तो खराब हो गई, तो 953 आई। खैर इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 10-15 मार्क्स का अंतर होता है बस, ठीक है। और वो भी मैटर नहीं किया क्योंकि एनीवेज मैं कॉलेज गया नहीं, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो मेरे को कॉलेज चाहिए था वो मेरे को उसके बाद भी मिल गया था, 1953 के बाद ही मिल गया था, यानी कि IIIT दिल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस, जो कि मेरे को चाहिए थी उस वक्त। तो उस वक्त जो मेरा गोल था और पर्पस था वो अलग था, ठीक है, और मेरी प्रिपरेशन का जो लेवल था उस वक्त, वो मेरा ऐसा था कि 100-200 रैंक आ जाती, ठीक है। लेकिन ये बोलना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कोई सोचेगा कि 100-200 आ गई लेकिन आई नहीं, बोल दिया। कोई ऐसा सोचेगा कि मैं बहाना दे रहा हूँ कि मेरी रैंक अच्छी क्यों नहीं आई, ठीक है। लेकिन उसका जो रीजन था, कोर रीजन, वो नहीं था, और कोर रीजन कुछ और था, ठीक है। लेकिन मैं ये बात बोलता नहीं, तो मान लो कि मेरी 1953 मेरा लेवल है, वही मेरी रैंक है, ठीक है, ऐसा मान लो। क्योंकि एनीवेज वो फिर मैटर नहीं करता, क्योंकि फिर से मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन पे वर्क किया, जेई प्रिपरेशन पे नहीं, दूसरों की जेई प्रिपरेशन पे, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स पे और अपनी टीचिंग एबिलिटी पे, अपनी मेंटरिंग एबिलिटी पे, एंड सो ऑन। और मैं चीजें आगे आगे सीखता गया बहुत सारी, और मैं सिर्फ एक जेई मेंटर या टीचर नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी और स्किल्स सीखी हैं, प्लस मैंने बहुत सारे बिजनेस रन किए हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ों को सीखने का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अपने मेथड्स के अंदर। जो मेरे मेथड्स हैं वो होलिस्टिक है, जिससे आप एक चीज़ सीख सकते हो, आप बाकी चीज़ें भी सीख सकते हो, एंड सो ऑन। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी, जिन लोगों को मानना है वो मान ले, जिन लोगों को नहीं मानना वो ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर पाना कैसे हो पा रहा है? ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो जेई में अच्छी रैंक ले आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते। यू नेवर हियर बैक फ्रॉम देम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई विजन और पर्पस नहीं है। होता ये है कि कॉलेज में वो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पढ़ लिया, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आलस करते हैं, उसके बाद वो फेलियर ही रहते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं है। बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स हैं जिनकी भले बहुत अच्छी रैंक ना है, लेकिन अगर उनका कोई विजन और पर्पस है तो वो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं, ठीक है। जैसे किसी का पर्पस ये होगा कि वो एक ऐसे टाउन से आया है जो कि बहुत पिछड़ा है, वो चाहता है कि उसके टाउन के लोग जो है वो आगे बढ़े, ठीक है, उनके लिए वो कुछ करना चाहता है। किसी का कोई सोशल कॉज है, किसी का कोई ना कोई पर्पस है, या अपने लिए ही कुछ पर्पस है कि मैं अपनी लिमिट्स एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या है जो कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ,
है ना, मैं अपने आप को बेस्ट से बेस्ट लेवल पे लेके आना चाहता हूँ। मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहता हूँ, अपने माइंड पे ध्यान देना चाहता हूँ, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि बहुत वैल्यूबल हो पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे अलग लोगों के, मतलब बहुत कम लोगों के ऐसे विजन और पर्पस होते हैं, लेकिन जिन लोगों के भी होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड जेई, ठीक है, जेई और बियॉन्ड जेई। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, है ना, मे बी ये कि आपको IIT जाना है, मे बी ये कि आपको एक रैंक लेके आनी है, मे बी ये कि आपको एक स्कोर, एक टारगेट है वो आपको लेके आना है, या फिर कुछ भी कि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो और लॉजिकल और इमोशनल रीजन आपके पास हो, देन आप जेई में अच्छी रैंक तो ला ही सकते हो, है ना। ये आपको मूव करेगा, मतलब ये आपको हेल्प करेगा मूव करने में हमेशा, ठीक है, आप कभी भी स्लो डाउन नहीं हो सकते।